देखिए आज तो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का दिन है, तो उन्हीं में से एक आज का एक स्टॉक हाईलाइट करना चाहूंगा। ये बैंक जिसके आप लोग अभी बातचीत कर भी रहे थे, अपडेट्स दे रहे थे, साउथ इंडियन बैंक 17.5 के लेवल्स पर फ्राइडे को क्लोज। इस स्टॉक के जो 52 हफ्ते के हाई थे 27.5 रुपए के थे, तो उन लेवल से 35% नीचे, और इनफैक्ट 2018 की शुरुआत में तो ये 32-33 के लेवल्स पर ट्रेड करता था, तो उन लेवल से तो इस समय आधा होकर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले शेयर होल्डिंग, कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर इस बैंक में नहीं है। FIIs के पास तगड़ा 24% का हिस्सा है, जिसमें सिग्निफिकेंट चंक्स जो है लैवेंडर इन्वेस्टमेंट यानी कि क्रिस कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट आर्म है वो ओन करता है 5%। अकेशिया पार्टनर्स के पास 4% है। म्यूचुअल फंड्स 9% होल्डिंग रखते हैं। LIC, एस इन्वेस्टर आशीष धवन सिग्निफिकेंट चंक्स इस कंपनी के ओन करते हैं। इनफैक्ट NIIs के पास इस बैंक का 8% है, जिसमें से एक प्रोमिनेंट MA यूसुफ अली साहब के पास 5% हिस्सा है। बिलियनर NRI हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट मलयाली कहे जाते हैं, और लुलु ग्रुप के ओनर। तो मैं क्योंकि इनके लिए तमाम अटकलें इनके नाम से लगती रहती हैं, इसलिए हाईलाइट कर रहा था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं, बिजनेस समझिए प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि त्रिशूर केरला में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और आज तो खैर दक्षिण भारत से शुरुआत जरूर हुई, आज एक पैन इंडिया प्रेजेंस है। इसके पास 850 से ज्यादा ब्रांचेस, ऑलमोस्ट 1400 ATM इस समय अक्रॉस इंडिया, और वन ऑफ द अर्लीस्ट बैंक था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का। और पिछले कुछ सालों में ये बैंक अपने हालात सुधारने के लिए बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है, कंसिडरेबल प्रोग्रेस अचीव करी है इसने, प्रॉफिटेबिलिटी में बैंक की ब्रांचेस की फोकस शुरू करा है, अपने एम्प्लॉयज को रीएनर्जाइज करने की कोशिश कर रहा है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। एसेट क्वालिटी रोकी आएगा, मैं इस पर आऊंगा। इनफैक्ट ग्रेटर ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश है, टेक्नोलॉजिकल कवरेज बढ़ा रहा है अपना, और इनफैक्ट अब एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस लिंक्ड हो गया है कंपनसेशन परफॉर्मेंस पर, तो वो जो यूनियन वाले इश्यूज थे वो आप खत्म होते हुए साउथ इंडियन बैंक में आपको नजर आएंगे। और जो रीब्रांडिंग एक्सरसाइज इसने उठाई है उसके चलते अब ग्रेटर ब्रांड रिकॉल तो है ही है, और साथ साथ कस्टमर्स के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है। अब वो एसेट क्वालिटी वाली प्लेट लेकर आए डायरेक्टर साहब, जिससे शायद आप आगे बढ़ गए। Q3 का परफॉर्मेंस, तो एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन था, इनफैक्ट कहना चाहिए एसेट क्वालिटी साउथ इंडियन बैंक की वोलेटाइल रही है ऑफ रेट, और जो डिटोरिएशन आया था एसेट क्वालिटी लेकर आए, जो डिटोरिएशन आया था उसके पीछे दो बड़ी वजह थी पिछले क्वार्टर में। एक तो IL&FS को रिकॉग्नाइज करा था तो स्लिपेजेस बढ़ते हुए नजर आए, दूसरा केरला फ्लड इंपैक्ट के चलते रिस्ट्रक्चर्ड बुक जो थी वो बढ़ती हुई नजर आई थी, तो इसके चलते ओवरऑल स्ट्रेस इस बैंक में देखने को मिला। ठीक है, ये एनपी के आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर। अब आगे चलते हुए बैंक मानता है कि ज्यादा मेजर स्ट्रेस है नहीं, इकलौता एक रोड प्रोजेक्ट है जो कि SMA 2 में ऑलरेडी है, उसके अलावा कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट अकाउंट वॉचलिस्ट के अंदर नहीं है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेस जो है साउथ इंडियन बैंक को लेकर शायद लार्जली बिहाइंड है। बैंक हालांकि अब चिंतित भी नहीं आगे मेजर कॉर्पोरेट स्ट्रेस के लिए, क्योंकि जीरो एक्सपोजर इसका एविएशन में, जीरो एक्सपोजर इसका टेलीकॉम में, EPC सेगमेंट्स में। एसेट क्वालिटी वोलेटाइल जरूर रही है जो मैंने मेंशन करा था, लेकिन फिर भी अपने पीयर से बेहतर प्लेस नजर आएगा। पीयर कंपैरिजन आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, और साउथ इंडिया केरला और तमिलनाडु के जो बैंक्स हैं, लक्ष्मी विलास बैंक, करूर वैश्य बैंक, धन लक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एसेट क्वालिटी आप लोग की स्क्रीन पर, सबसे वेल मैनेज एसेट क्वालिटी है। अगर इन सबसे कंपेयर करूं, फेडरल बैंक को छोड़ दें, और खैर उसके तो वैल्यूएशन भी इससे कहीं ज्यादा इस समय ट्रेड होता है, और बैंक की लगातार कोशिश अपनी बैलेंस शीट को डीरिस्क करने की, तो रिटेल सेगमेंट पे थ्रस्ट बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बैंक अब क्लियरली जो है सिग्निफिकेंट दिक्कतें जो थी, स्लिपेजेस ट्रेंड जो है एग्री के, SME के, रिटेल के, वो ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस बैंक का इंप्रूव होगा। वैसे एक बैंक लगातार प्रॉफिट क्लॉक करता रहा है, आप लोग की स्क्रीन आएगा, लास्ट क्वार्टर में भी 840 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स थे। बहुत प्रोएक्टिवली इसने एसेट क्वालिटी रिकॉग्नाइज करी, उसे प्रोवाइड फॉर कराया सेम, अब इसलिए दिक्कतें कम होंगी, और इसलिए शायद कहा जा रहा है स्लिपेजेस टू क्रेडिट कॉस्ट जो होता है उसमें अब आप सुधार आता हुआ देखेंगे। रिकवरी के टारगेट्स FY19 में पूरे साल में 500 करोड़ रुपए के थे, Q3 में ऑलरेडी 360 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली, तो वेल ऑन ट्रैक है, इस साल में पूरे रिकवरी टारगेट्स अचीव कर लेगा। FY20 के लिए 600 करोड़ रुपए की रिकवरी टारगेट्स, और उसमें एडिशनल रिकवरी जो भी IBC केसेस से आई वो अलग होने वाली है, और इस समय इस बैंक के वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग है। FY20 के एडजस्टेड बुक वैल्यू आती है 22-23 रुपए के आसपास अनुमानित, और इस समय ये 0.75 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, जो इन लेवल्स पे कंफर्ट लेंड करता है। इसीलिए आज वो तमाम छोटे रीजनल बैंक्स मूव कर रहे हैं, उसमें साउथ इंडियन बैंक को खासतौर पर अपने रडार पे रखें। साउथ इंडियन बैंक है आज का जैकपॉट।